आलू और फूलगोभी की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए 500 ग्राम हम फूलगोभी ले लेंगे। फूलगोभी को गर्म पानी से धो के निकाल ले और ऐसे बड़े टुकड़े करिए, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम 5 मीडियम साइज के आलू ले लेंगे। आलू को ऐसे 2 टुकड़ों में काट ले, अगर आलू बड़े हैं तो 4 टुकड़े करें। आधा कप फ्रेश मटर ले लेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल का इस्तेमाल हमें इसमें ज़्यादा करना है क्योंकि आलू गोभी को फ्राई करके निकालना है। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा आप इसमें ये आलू डाल दें और आलू को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। बीच बीच में आप इसे पलटते रहें। आलू को फ्राई करते वक्त ही 80% पका लेना है, बाकी 20% हम ग्रेवी में पकाएंगे। तो यहाँ पे आलू का कलर जो है वो पहले से चेंज हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए आलू एकदम पका हुआ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये आलू को हम निकाल लेते हैं और जैसे हमने आलू को फ्राई किया है ना, गोभी को भी वैसे ही फ्राई करके निकाल लेंगे। आलू और गोभी को साथ में नहीं फ्राई करें क्योंकि गोभी जल्दी पक जाता है और आलू को पकने में समय लगता है। तो आप दोनों को अलग अलग फ्राई करेंगे तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने गोभी को ढक दिया है ताकि जो पानी के छींटे हैं ना वो तेल में जाके ऐसे उड़ते हैं, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बीच बीच में आप इसे पलटते रहें ताकि ये हर तरफ से बराबर फ्राई हो। तो यहाँ पे हमने गोभी को भी फ्राई कर लिया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे ये जो बचा हुआ तेल है ना, इसे भी हम बाकी की सब्ज़ी बनाएंगे, अलग से तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसे मैंने निकाल लिया और ये आप देख सकते हैं कि आलू गोभी का कलर जो है वो फ्राई करने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। तब हम बचे हुए तेल में 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सबको पका दें और उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए डाल दें और प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो प्याज को हम ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और जैसे ही प्याज जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा, हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसे भी हम प्याज के साथ आधे मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर दें। तो जब तक ये पक रहा है ना, तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बोल में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, 1.5 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, आप नॉर्मल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। तो मैं यहाँ पर आधी चम्मच करके 2 बार ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिला देंगे। सूखे मसालों को अगर आप पानी में मिक्स करके उसके बाद सब्जी में डालेंगे तो मसाले जो है वो जलते नहीं और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे मिला के ये प्याज में डाल दिया है और इसके बाद इसे मिला देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। तो 2 मिनट के लिए मसालों को प्याज के साथ भून लें। आप चाहिए तो पैन को कवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैं डाल देती हूँ और इसे मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आँच पर पका लें। पैन को हम यहाँ पे कवर कर देंगे ताकि मसाले जल्दी पक जाए। 2-3 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे मसालों में अच्छा सा कलर आ गया है, तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे लंबाई में काट लिया है मैंने, मटर भी साथ में डाल दें। आधी छोटी चम्मच के करीब आप इसमें नमक डाल दें ताकि टमाटर जो है वो जल्दी पक जाए। मिला दें इन सबको। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर यूज़ किया इसलिए इसे यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप फ्रोजन मटर इस्तेमाल करें तो उसे बाद में आलू गोभी के साथ ही डालें। तो यहाँ पे सबको मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। 4 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने, मिला दें इसे और टमाटर को आप चाहिए तो स्पैचुला से मैश कर लें। आप टमाटर को ब्लेंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है सब्जी में। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे। गोभी हम बाद में डालेंगे, पहले आलू को थोड़ा सा पका लेंगे प्याज टमाटर के साथ, उसके बाद हम इसमें गोभी डालेंगे। तो आलू को ऐसे मसालों के साथ मिला लें और 2 मिनट के लिए ढक के धीमी आँच पर पकाएँ। तो यहाँ पर इसे कवर कर देती हूँ मैं और 2 मिनट पकने देती हूँ। 2 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, हम इसे मिक्स करेंगे। तो आलू हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है, लास्ट के 5 मिनट और पकाएंगे तो एकदम 100% सही से पकेगा, ये आप देख सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि इसमें फ्राई किया हुआ गोभी डाल देंगे। गोभी डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। ध्यान रहे नमक हमने पहले भी डाला है तो नमक का इस्तेमाल हिसाब से करना है। तो नमक डाल दिया मैंने, मिला दें इसे, आलू गोभी को अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद 2 मिनट धीमी आँच पर पकाना है। तो इससे गोभी जो है वो मसालों में अच्छे से मिल जाएगा। ध्यान रहे कि आलू गोभी का सब्जी बनाते वक्त अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो गोभी ओवर कुक नहीं होगी और आलू सही से पकेंगे। तो पैन को कवर कर दें और 2 मिनट पकने दें। 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और इसे एक बार मिक्स करें।
अगर आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, एकदम सूखी सब्जी बनानी है जो सफ़र वगैरह में ले जाते हैं, तो आप इसे धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट और पकाएं, नहीं तो आप इसमें पानी डाल दें। तो 1.5 कप के करीब आप इसमें पानी डालें। तो यहाँ पे ये 1.5 कप पानी डाल देती हूँ मैं। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे हम, और उसके बाद धीमी आंच पे 10 मिनट पकाएंगे। टेंशन मत लीजिए, पानी इसमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, जैसे जैसे सब्जी पकेगी सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे ये पानी डालने के बाद हम इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे 10 मिनट पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे मिक्स करते रहें। तो यहाँ पे 5 मिनट हुए हैं, एक बार मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। तो अगर आपको राइस के साथ खाना है या फिर थोड़ी करी वाली सब्जी पसंद है, तो आप यहाँ पे गैस को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आलू एकदम अच्छे से पक गया है, और जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे ढक के 10 मिनट पकाएंगे तो सब्ज़ी का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार है। ये देखिए, इससे ज़्यादा ड्राई से नहीं करें, क्योंकि सब्ज़ी ठंडी होने के बाद और भी ड्राई होती है। तब हम लास्ट में आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और उसके साथ 1 बड़ा चम्मच घी डाल दें। घी डालने से सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करें। मिला दें इन दोनों को और बस 8 से 10 सेकेंड के लिए ढक के पका लें, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी में आ जाए। तो यहाँ पे ऐसे ढक देती हूँ मैं आधे मिनट के लिए। आधे मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे हम। तो घी और गरम मसाला डालने के बाद सब्जी का कलर भी चेंज हो जाएगा और सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप चाहिए तो गैस ऑफ करने से पहले आलू को एक बार तोड़ के देख लें। तो यहाँ पे आलू को हमने पहले फ्राई किया था, बाद में भी पकाया है, तो आलू हमारा अच्छे से पक गया है, ये आप देख सकते हैं। तो बस अब हम लास्ट में इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे ऐसे मिक्स करें और गैस को ऑफ कर दें। गैस ऑफ करने के बाद इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दें, उससे सब्जी में अच्छी से खुशबू आएगी धनिया पत्ता की। लेकिन बस ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे ढक्कन लगा के गैस को ऑफ कर देती हूँ मैं। 2 मिनट बाद ये हमारी सब्जी जो है वो आप देख सकते हैं, इसका कलर और ग्रेवी का टेक्सचर कितना बढ़िया है। यह है ना, एकदम शादी वाली जैसे आलू गोभी की सब्जी होती है, ये देखिए। तो ये हमारी आलू गोभी की मसालेदार सब्जी बनके तैयार है। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। तो सर्व करने के लिए हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आलू गोभी को अलग अलग फ्राई करें और इस तरीके से पकाएं, तो गोभी ओवर कुक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं और सब अलग अलग दिखेंगे और सब्जी खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस मज़ेदार आलू गोभी और मटर की सूखी सब्जी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये सब्जी आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज की ये आलू गोभी की सब्जी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।